राजीव गांधी और सोनिया गांधी की प्रेम कहानी बहुत दिलचस्प है। राजीव और सोनिया की मुलाकात कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक ग्रीक रेस्तरां में हुई थी। राजीव गांधी सोनिया को देखते ही अपना दिल दे बैठे। कहा तो ये भी जाता है कि राजीव ने रेस्तरां मालिक से सोनिया के करीब वाली सीट देने की रिक्वेस्ट भी की थी। राजीव गांधी ने उसी दिन रेस्तरां में पेपर नैपकिन पर सोनिया के लिए एक कविता लिखी। कविता लिखने के बाद राजीव ने एक महंगी वाइन बोतल के साथ सोनिया के पास वो पेपर नैपकिन भेजा। सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में राजीव गांधी ने खुद अपने इश्क का इजहार किया था। राजीव ने कहा कि सोनिया को पहली बार देखकर ही मैं समझ गया था कि यह वही लड़की है जो मेरे लिए बनी है। राजीव ने कहा, सोनिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, आउट स्पोकन और काफी मिलनसार है। मूल रूप से इटली की रहने वाली सोनिया गांधी का असली नाम एडविग एंटोनिया अल्बिना माइनो है। 9 दिसंबर 1946 को उनका जन्म लुसियाना शहर में हुआ था। रेस्टोरेंट में उस दिन की मुलाकात के बाद राजीव और सोनिया अक्सर मिलने लगे। दोनों के बीच बातों और मुलाकातों का दौर जल्द ही प्यार में बदल गया। सोनिया गांधी कैम्ब्रिज में पढ़ाई के साथ साथ एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम भी करती थी। सोनिया गांधी ने राजीव और अपने प्यार के बारे में परिवार वालों को चिट्ठी लिखकर जानकारी दी थी। सोनिया ने खत में लिखा, मैं एक भारतीय लड़के से प्यार करती हूँ। मैं नीली आंखों वाले ऐसे ही राजकुमार का सपना देखा करती थी। सोनिया गांधी राजीव के बुलावे पर पहली बार 1968 में भारत आई। उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी बचपन के दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी। ऐसे में जब शादी से पहले सोनिया भारत आई तो वो अमिताभ बच्चन के घर में ही रुकी थी। 13 जनवरी 1968 की सर्द सुबह अमिताभ बच्चन ही सोनिया गांधी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे थे। उस दिन सोनिया उनके दोस्त राजीव की मंगेतर बनकर भारत आई थी। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की माँ तेजी बच्चन ने सोनिया गांधी को बेटी की तरह रखा। तेजी और हरिवंश बच्चन ने ही सोनिया गांधी को भारतीय संस्कृति और परंपराओं की जानकारी दी। राजीव और सोनिया की शादी में तेजी बच्चन ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। शुरू में इंदिरा एक इतालवी लड़की को परिवार की बहू बनाने के लिए राजी नहीं थी, लेकिन वो तेजी बच्चन ही थी जिन्होंने इंदिरा गांधी को दोनों की शादी के लिए तैयार किया। एक साल बाद 1969 में ही सोनिया और राजीव गांधी की शादी पक्की हो गई। सोनिया और उनका परिवार कुछ दिनों के लिए विलिंगटन क्रिसेंट स्थित बच्चन परिवार के आवास पर ठहरा। तेजी और हरिवंश ने सोनिया की शादी कराई और कन्यादान की रस्म निभाई। शादी के बाद सोनिया गांधी को 1983 में भारत की नागरिकता मिल गई। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के 7 साल बाद सोनिया गांधी ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा।